पर्टिकुलर गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। सर बढ़िया। बढ़िया हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, बेटर देन द इनिशियल डेज ऑफ एलिमेंट। अब बहुत बेहतर हूँ। खैर, तो बताइए, मैं लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? सर पुली वाले क्वेश्चंस कर रहे थे हम, तो उसमें आपने डबल पुली वाला कराया था लास्ट। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई क्वेश्चन नहीं कराया ना? नहीं सर। तो इंक्लाइंड प्लेन आओ, इंक्लाइंड खेलने एक दो सवाल, उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे हम स्यूडो फोर्स की तरफ। ठीक है? यस सर। तो आओ इंक्लाइंड खेलें। सर सर्कुलर कराओगे ना आप इसमें लॉ ऑफ मोशन में? जाहिर बात है बेटा। सर वो क्योंकि सर उसमें फोर्थ वाले में नहीं हुआ था। ये देखो, ये इंक्लाइंड सरफेस है, मान लेते हैं ये आपका इंक्लाइंड सरफेस, और इंक्लाइंड सरफेस पे आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक पुली, और पुली के साथ ये ब्लॉक अटैच्ड है विच इज हैंगिंग, और ये दूसरा जो ब्लॉक है इट इज अगेन कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट इज रेस्टिंग ऑन दिस इंक्लाइंड सरफेस। अभी फिलहाल इस पोजिशन में ये it is resting on the inclined surface. मान लेते हैं the masses of this block is given as this block का mass 10 kilogram है and this block has a mass of let us say कितना मान लोगे? 2 kilogram मान लो, कुछ भी मान लो, and this angle is 37 degree. अब आप इसको जब रिलीज करेंगे तो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में आपका सिस्टम मूव करेगा या नहीं? सिस्टम मूव करने का मतलब है कि योर वेज इज फिक्स्ड। ये इसको हम वेज भी कहते हैं ना, वेज। ये वाला जो है ना इंक्लाइन प्लेन, इसको वेज भी कहा जाता है। वेज का ये मतलब नहीं कि इंक्लाइन ही होगा, वेज का मतलब कोई भी बड़ा ब्लॉक हो सकता है।
तो इसको वेज भी कहते हैं, इसको आप टॉपिक वाइज अगर देखेंगे तो इसको वेज सिस्टम भी कहा जाता है या वेज कॉन्स्ट्रेंट के भी नाम से पढ़ा जाता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेज। अगर वेज वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। Yes, अब देखो जब व्हेन आई रिलीज दीज ब्लॉक्स, वेज इज फिक्स्ड, याद रहे ये वेज फिक्स्ड है, तो इट कैन नॉट मूव, व्हाट कैन मूव इज द ब्लॉक। अब ये ब्लॉक अगर इस वेज के सरफेस पे मूव करेगा तो इन दोनों का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा एंड देयर विल बी सम टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अदर दैट यू हैव टू फाइंड इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट करो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व दिस वन। पहले क्वेश्चन नोट करो, लिख लिया तो सुनिए। सबसे पहली बात, अगर आप इंक्लाइन सरफेस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो, सबसे पहले इंक्लाइन सरफेस पे अगर आप हैं और मान लीजिए दिस इंक्लिनेशन इज थीटा और इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास एम है, तो सबसे पहला जो फोर्स आएगा दैट वुड बी एम जी विच विल ऑलवेज एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। अब इसमें एक बात समझिए, ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस पे कैसे स्लाइड होगा, या तो डाउन द इंक्लाइन स्लाइड होगा या अप द इंक्लाइन स्लाइड होगा, या तो ये नीचे जा सकता है या और ये ऊपर जा सकता है, और तो कोई डायरेक्शन नहीं है जिसमें स्लाइड हो। बोलो। यस सर। एक ही बोल रहा है, कितने कनेक्टेड हो भाई अभी? देवांश, आशीष, उर्वशी। आइदर दिस ब्लॉक कैन स्लाइड डाउन द इंक्लाइन और इट कैन स्लाइड अप द इंक्लाइन, एम आई करेक्ट? यस सर। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज हमेशा समझाया है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि जिधर बॉडी एक्सेलरेट करे या मूव करे, मुझे सिर्फ उस फोर्स से मतलब है, क्योंकि जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे या टेंशन निकालेंगे तो आप वो फोर्स कंसीडर करेंगे जिधर बॉडी का मोशन है। जिधर बॉडी का मोशन नहीं है उधर के फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे या नहीं? यस सर। अब अगर आप ध्यान से देखें सर, मान लो लेटेस्ट से कि मैं कहता हूं कि बॉडी नीचे स्लाइड कर रही है, तो मुझे इस डायरेक्शन में फोर्सेस से मतलब है। देखो, इसका यह मतलब नहीं है कि परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन या किसी और डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने बोला जिधर बॉडी मूव करेगी उधर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा और जिधर बॉडी मूव नहीं करेगी उधर द फोर्सेस वुड बी बैलेंस्ड, राइट? यस सर। तो इस केस में हम करते क्या है, लुक एट दिस केयरफुली, बिकॉज दिस ब्लॉक कैन आइदर मूव डाउन द इंक्लाइन और अप द इंक्लाइन, दैट इज वाई आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द फोर्सेज अलोंग द इंक्लाइन सर्फेस। मतलब ये जो इंक्लाइन सर्फेस है ना, उसके अलोंग आई वॉन्ट टू चेक द फोर्सेज। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एम जी को आई विल रिजॉल्व so that I get a component of mg along the incline and another component will obviously be perpendicular to that incline surface, right? और ये वाला अगर angle theta है तो this angle has to be theta, ये पहले भी सिखा चुका हूँ, ये theta है, ये 90 है, तो this will be 90 minus theta, तो this has to be theta, क्यों sir? क्योंकि ये वाला जो आपने लिया है, this has to be perpendicular to the incline surface. सर आपको कैसे पता कि ये वाली direction perpendicular होगी to the incline surface? The reason being कि जब भी आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो द टू एक्सिस दैट यू टेक मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक एक्सिस सर आपने ये लिया है तो दूसरी एक्सिस हैज टू बी परपेंडिकुलर, से समथिंग? यस सर। यस सर। तो mg का वो कंपोनेंट जो इसके साथ आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज mg cos थीटा, बिकॉज द कंपोनेंट दैट यू गेट विद द ऑन द एक्सिस विद विच द एंगल इज गिवन विल बी इन टर्म्स ऑफ cos, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी mg sin थीटा। अनडाउटेडली यहां पर ये भी फोर्स लग रहा है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट, देयर वुड बी नॉर्मल रिएक्शन, बट एक बात तो क्लियर है सर, बिकॉज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, मतलब ये डायरेक्शन जो आपको दिख रही है ब्लू वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसमें ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना तो ब्लॉक नीचे जा रहा है, नाइदर द ब्लॉक इज गोइंग डाउन नॉर द ब्लॉक इज गोइंग अप, इसका मतलब है ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से बैलेंस्ड है, सही?
यस यस सर। तो एक्सेलरेशन का जो पार्ट होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वन ऑफ द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल इज एमजी साइन थीटा, राइट? यस। यहां तक बात क्लियर है? तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंक्लाइन सरफेस पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल रिजॉल्व एमजी। एंड हाउ विल यू रिजॉल्व इट? यू विल रिजॉल्व एमजी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड एंड पैरेलल टू द इंक्लाइंड। आई रिपीट इट अगेन, जब भी इंक्लाइन सरफेस पे आप होंगे तो यू विल रिजॉल्व एमजी। एमजी को कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड पैरेलल टू द इंक्लाइन, ये काम आपको करना है, ठीक है? अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस जो हैं आपके, वो यहां पर यूज नहीं होंगे, बट जब आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना, फ्रिक्शन, तो ये फोर्सेस भी यूज होंगे वहां पर। तो अभी तो बिकॉज वी आर अज्यूमिंग ऑल द सर्फेस टू बी फ्रिक्शन लेस, हम फ्रिक्शन कंसिडर कर ही नहीं रहे, तो इसलिए ये हमारा सारा सर्फेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है, तो इसलिए हमें ये वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस से भी कोई मतलब नहीं है, बट इट विल बी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन व्हेन फ्रिक्शन विल बी इन्वॉल्व। खैर, तो एमजी को रिजॉल्व कर लिया, कोई तकलीफ? नो सर। अच्छा, अब देखो किसी ना किसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करेगा, एंड आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इट डायरेक्टली, क्योंकि ये वाला मास 10 किलोग्राम है, ये वाला मास 2 किलोग्राम है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 10 किलोग्राम के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज ये जो फोर्स इसको मूव करा रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज नॉट एमजी, रादर इट इज एमजी साइन थीटा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एमजी साइन थीटा की वैल्यू इसके एमजी की वैल्यू से कम हो जाए। Yes. तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लीजिए, फिर से सुनो, आप मान लिया मैंने इस डायरेक्शन में, अगर मेरा मानना गलत होगा तो एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन आ जाएगा। इफ आई गेट अ नेगेटिव साइन विद द एक्सेलरेशन, इट विल प्योरली मीन दैट the direction in which I am assuming the block to be moving, actually the block would be moving in the opposite direction. नहीं आया, पता नहीं क्या बोल गया, फिर से सुनो, जिस direction में मैंने acceleration माना है, अगर उस direction में acceleration negative आए, इसका मतलब है कि आपने जो सर direction माना है, actually में block उसके opposite direction में move कर रहा है, उस direction में move नहीं कर रहा, उसके opposite move कर रहा है। Okay, चलो देखते हैं। अच्छा, अगर ये block इधर move करेगा, तो इससे जो ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये अपने साथ स्ट्रिंग को किधर खींचेगा? डाउन द इंक्लाइन और अप द इंक्लाइन? डाउन द इंक्लाइन। तो स्ट्रिंग इन रिस्पांस ब्लॉक को किधर खींचेगी, ऊपर या नीचे? इंक्लाइन। तो इसका मतलब टेंशन विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन टू दिस ब्लॉक। मान लो ये टेंशन टी है, आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट ब्लॉक विच इज दिस ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम, ठीक है? इस 2 किलोग्राम वाले पे देखो, तो इस मैंने हमेशा एक बात बोला है कि डजंट मैटर कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे, ब्लॉक हमेशा स्ट्रिंग को नीचे ही पुल करता है, तो इसलिए ब्लॉक पे हमेशा जो टेंशन होगा वो अपवर्ड होगा। तो यहां देखो, ये टेंशन इस पे किधर लगेगा? ऊपर। इस ब्लॉक पे नीचे क्या लगेगा? एमजी। मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 2, तो 2 इंटू जी मतलब 2 इंटू 10 is equal to 20, ऊपर acceleration A, इसका acceleration A, have you understood these two free body diagrams? Yes sir. Sir, जो incline पे रखा है block, उसका जरूरी नहीं है ना हम n और mg cos theta लिखे अभी के लिए? ना, अभी अभी के लिए नहीं भी लिखो तो no issue with that. अभी के लिए कोई जरूरी नहीं है, मैंने बस ऐसे शो कर दिया कि भाई अगर एक कंपोनेंट ये है तो दूसरा भी तो कहीं कंपोनेंट होगा, तो दैट इज व्हाई आई हैव शोन यू द सेकंड कंपोनेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट बोथ द कंपोनेंट्स फॉर नाउ, अनलेस वी विल इंट्रोड्यूस फ्रिक्शन, आप एक ही कंपोनेंट लिख के काम कर सकते हो। यस सर, क्योंकि सर उसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होके आएगा। बिल्कुल। अब देखिए, जिस डायरेक्शन में मैंने इंक्लाइन सरफेस पे ब्लॉक का मोशन अज्यूम किया है, वो मैंने mg sin theta की डायरेक्शन में अज्यूम करा है, तो which of the two will be greater, mg sin theta is greater or t is greater? mg sin theta। एक ही बच्चा समझ रहा है क्या? mg sin theta will be greater than that of t, right? mg sin theta minus of t is equal to ma, यही तो लिखते हैं ना, net force is always equal to mass into acceleration, net force या तो दो फोर्स का सम हो सकता है
या नेट फोर्स दो फोर्स का डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस. तो mg sin थीटा और t आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो mg sin थीटा की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. तो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन t. तो mg sin थीटा माइनस ऑफ t इज इक्वल टू ma. मैंने हमेशा बोला है कि ज्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करो. उसका ये बेनिफिट ये होगा कि यू विल नॉट हैव टू टेक द वेक्टर साइन कन्वेंशन फॉर फोर्सेस और एक्सेलरेशन. अब m क्या है इस ब्लॉक का, इंक्लाइन सरफेस वाले ब्लॉक का m क्या है? What is the mass for the block which is kept on the inclined surface? 10 kg. तो 10 multiplied by g की value 10 मान लो और sin 37. आप लोग भूल जाते हैं. हर बार याद दिलाता हूँ 3/5. Sin 37 की value 3/5. तो ये 3/5 minus of t is equal to 10 multiplied by a. 5 2s are 10. तो 10 into 2 20. 20 into 3 60 minus of t is equal to 10a. This is my one of the equation. Where from I'll get the second equation? I'll get this second equation from 2 kg block. 2 kg is being pulled upwards. It is moving upward. So kya likhenge aap? T minus of 20 is equal to kitna? So T minus of 20 is equal to 2A. Say something. Yes, sir. You have got two equations and you have got two unknowns. One is T, which is tension, and another one is acceleration. आपको ये दोनों equation को solve करना है, and you will get the result. तो पहले इतना note करो, then we will solve these two equations. पहले please note it down, and wherever you have any doubt, please ask. लिख लिया सर. हाँ जी, हो गया. ये इक्वेशंस नोट कर लिया आप लोगों ने. लेट अस सॉल्व दीज टू इक्वेशन. तो बहुत आसान है ये इक्वेशन सॉल्व करना. 60 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 10 है. और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है बेटा? टी माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 2a. अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो. टी एंड टी विल कैंसिल आउट. 60 ये 40 हो गया, ये 14a हो गया. तो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू हो जाएगी 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 12 होगा. कहाँ 12 होगा? अच्छा सॉरी, ये 12 है. तो ये कितना आ जाएगा? 40/12. 40/12 कितना है? 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वंस यू हैव गॉट द टेंशन, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, वंस यू हैव गॉट एक्सेलरेशन, फाइंडिंग द टेंशन इज नॉट अ बिग डील. दैट यू कैन फाइंड, राइट? यस सर. सारे क्वेश्चंस में आंसर सेम आता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. सर, क्योंकि हमने पिछली क्लास में या उसमें भी सारे... अच्छा, वो जो मैं डेटा लेता हूँ ना, तो डेटा मैं इस तरह से लेता हूँ कि वो कैलकुलेशन सबका एक ही जैसा हो जाता है.
बट ऐसा मत रट लो कि सारे में आंसर सेम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, वो डेटा पे डिपेंड करता है सर। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ एंड होपफुली उसका आंसर डिफरेंट है। मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊ इस पर? Yes, sir. अब देखो दोनों साइड पे इंक्लाइन कर देते हैं सरफेस को, तो बेसिकली करना क्या होगा आपको, दोनों तरफ mg का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, दोनों तरफ mg का एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये आपकी ये पुली है, यहाँ आपका ब्लॉक है, यहाँ आपकी पुली, ये ब्लॉक। अब मान लो ये वाला एंगल आई एम टेकिंग इट एज 37 डिग्री, फॉर लेट अस से फॉर सिंपलिसिटी आई एम ऑल्सो टेकिंग दिस एंगल ऑल्सो एज 37 डिग्री। ये मान लीजिए 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये वाला 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। यू हैव टू फाइंड आउट बोथ, एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा। एक्सेलरेशन बताना है, टेंशन बताना है, डू इट। आप लोग सॉल्व करेंगे, देखूं मैं कितना समझ पाए हो। यू विल सॉल्व, यू कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, आप या तो आप ये मान लें कि 10 केजी इज गोइंग डाउन द इनक्लाइन, तो इन दैट केस 5 केजी वुड बी मूविंग अप द इनक्लाइन, और अगर 5 केजी इज गोइंग डाउन द इनक्लाइन तो 10 केजी वुड बी गोइंग अप द इनक्लाइन। ठीक है, वैसे तो लॉजिक ये कहती है कि भाई 10 केजी वुड बी गोइंग डाउन द इनक्लाइन बिकॉज एंगल ऑफ इंक्लेनेशन सेम है एंड 10 केजी इज हेवियर, तो ऑब्वियसली 10 केजी विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? यस सर। सर और अगर हम उल्टा कर भी देते हैं तो बस साइन चेंज करके यू विल जस्ट गेट नेगेटिव वैल्यू। हाँ, यू विल जस्ट गेट नेगेटिव वैल्यू। इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका आंसर गलत हो गया, बस उसका सिर्फ मॉड ले लेना। डू इट। सॉल्व हो रहा है, ऋषिक का आंसर आ गया, t is equal to 40 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो मैं भी देखता हूं भाई, अलोंग द इंक्लाइंड इस पर जो इधर फोर्स लगेगा दैट विल बी mg sin थीटा, होगा या नहीं होगा सोचो। क्योंकि देखिए सर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस पे mg देखेंगे तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो इसके आप कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और दूसरा कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन आएगा। इसी तरह से इस पे mg देखें तो mg विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स,
mg को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट आपने कैसे रखा है, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, और हमें उस mg का कौन सा कंपोनेंट लेना है तो वी हैव टू टेक ओनली द कंपोनेंट विच इज अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, किसके अलोंग लेना है? इंक्लाइन सर्फेस के अलोंग। समझ में आई बात? क्यों लेना है सर इंक्लाइन सर्फेस के अलोंग? द रीजन बीइंग कि जिधर बॉडी मूव करेगी उधर ही का हमें mg का कंपोनेंट चाहिए। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो उधर का फोर्स लिख के भी क्या करोगे? फोर्सेस तो बैलेंस होंगे ना। तो यहां देखो, यहां पर आ जाएगा 10g sin 37, 10 इज द मास, और यहां पर आ जाएगा 5g sin 37। आपने माना है कि ब्लॉक इज गोइंग दिस वे, ये एक्सेलरेशन, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। ब्लॉक जिधर जाता है टेंशन उसका अपोजिट दिशा में लगेगा, तो इधर टेंशन लगेगा इधर। इस वाले ब्लॉक को किधर खींचेगा? इधर। ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगी तो टेंशन इधर। देखो हमेशा एक बात याद रखो, ब्लॉक हमेशा स्ट्रिंग को नीचे पुल करता है, तो स्ट्रिंग इन रिस्पॉन्स स्ट्रिंग ब्लॉक पे फोर्स किधर लगाती है? तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। समझ में आई बात? तो आप चलिए दोनों की इक्वेशन लिखते हैं। 10 kg वाले ब्लॉक पे इक्वेशन लिखोगे तो ये वाला जो फोर्स है दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ टेंशन। भाई 10g sin 37 टेंशन से ज्यादा होगा तभी तो ये इधर एक्सेलरेट करेगा। हाँ अरुषि, 10g sin 37 टी से ग्रेटर होगा तभी तो ब्लॉक विल मूव डाउन। बोलो तो अरे कोई नहीं बोल रहा। यस सर तो 10g sin 37 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो 10 इंटू जी की वैल्यू 10, sin 37 की वैल्यू अगेन 3/5 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 10 ए, 5 × 2 = 10, तो ये कितना हो गया 60 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 10 ए इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इस वाले ब्लॉक पे टेंशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस 5g sin 37 तभी तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो इसको देखो ये हो जाएगा टी माइनस ऑफ 5g sin 37 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय ए, टी माइनस ऑफ 5 इनटू g की वैल्यू 10, sin 37 की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय ए, 5 एंड दिस 5 विल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा टी माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 5a। यू हैव गॉट टू इक्वेशंस, you just need to add these two equation, in dono equation ko aap kya kar do, in dono equation ko simply add karo, tension will be cancelled out by tension, aur baki aapko pata hai kya karna hai, 60 mein se 30 subtract hoga 30 ho jayega, 10a plus of 5a will be equal to 15a, to mere hisab se jo acceleration aayega that will be 2 meter per second square, which is absolutely correct for Rishik. Rishik ka answer 2 meter per second square aaya acceleration ka। क्लियर? यस सर। प्लीज नोट करो, एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो टेंशन की वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दैट एक्सेलरेशन इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। हो गया? यस सर। चलिए सर अब फर्दर आगे बात करें। अब जो यहां पर डिस्कशन हम करने वाले हैं उसका नाम है स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स पे जाने से पहले पहले आपको कुछ बातें समझनी है। याद करें कि आपको मैंने रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हमने डिफाइन किया था व्हेन वी स्टार्टेड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन प्लेन में। व्हेन आई डिफाइंड मोशन इन दैट केस आई डिफाइंड व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम में मैंने आपसे क्या बोला था सर?
मैंने आपसे बोला था कि रेफरेंस फ्रेम का बेसिक मतलब होता है कि आप किसी भी ऑब्जर्वर के साथ अगर तीन कोऑर्डिनेट सेट ऑफ दीज थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर अटैच कर देते हो, एंड व्हाट आर दोस कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच यू कैन अटैच, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. इफ यू अटैच दीज थ्री सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस टू एन ऑब्जर्वर और टू एन एनी ऑब्जेक्ट, तो उस केस में द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस और द सेट ऑफ दीज थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस will be simply called as what? So that will be simply called as a reference frame or frame of reference. Did you understand? Iska matlab, jaise for example, maan lijiye sir, ye koi car hai and this car is going on a highway. Is car ke saath agar main teen coordinate axis attach kar dun, namely x, y and this third coordinate axis as z, to ye jo aapki car ke saath ye teen coordinate axis maine attach kiya hai, isko hum kya kahenge? Is car ke saath रेफरेंस फ्रेम कहेंगे, है ना? दिस विल बी कंसीडर्ड एज द रेफरेंस फ्रेम अटैच टू दिस कार. क्लियर है? एक मिनट रुकना. अगर आप किसी के साथ भी अगर आप तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर देंगे तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? So that is simply called as reference frame or frame of reference. अब देखो बेटा, ये जो frame of reference है या reference frame है, actually में these are of two types. एक को हम कहते हैं inertial frame of reference और दूसरे को हम कहते हैं non-inertial frame of reference. अब ध्यान से सुनना, यही खेल आएगा आपका, inertial and non-inertial. पहले तो आप definition समझ लो, फिर उसके बाद I'll take an example जिसमें I'll make you understand कि व्हाट इज इनर्शियल एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल हम कैसे समझेंगे. तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझिए. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस फ्रेम में आपके न्यूटन्स लॉज वैलिड हो. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑब्जर्वर के साथ हमने ये तीन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर दिया एक्स वाई जेड, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है तो ये ऑब्जर्व कर पा रहा है कि न्यूटन्स लॉज वैलिड है, न्यूटन के जो लॉज हैं वो सारे के सारे वैलिड हैं, तो इस ऑब्जर्वर के लिए हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल कहेंगे. क्या मतलब है सर? अभी डेफिनेशन बस समझिए. इनर्शियल का मतलब है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड. स्पेशली अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इन विच एफ इज इक्वल टू एम ए इज वैलिड. बिकॉज आपको एक बात पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज स्पेशली द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ भी कंटेन्ड है और सेकंड लॉ भी कंटेन्ड है, सॉरी थर्ड लॉ भी. नहीं याद आ रहा भाई, यू कैन प्रूव फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ और नॉट? यस सर. ठीक है, तो इन द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ भी कंटेन्ड है और थर्ड लॉ भी कंटेन्ड है. इसका मतलब अगर किसी फ्रेम में न्यूटन्स का सेकंड लॉ एप्लीकेबल है या वैलिड है, तो इसका दूसरा मतलब यही होगा कि इस केस में न्यूटन्स के तीनों लॉज वैलिड हैं. और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें तीनों लॉज ऑफ न्यूटन्स इज वैलिड उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है रेफरेंस फ्रेम इन विच NLM are not applicable or not valid. ठीक है, इसका मतलब कि F is equal to MA is not valid. इसका मतलब समझो, हमें मालूम है कि न्यूटन्स का लॉ ये कहता है कि if there is an acceleration in a body, तो ये तभी हो सकता है कि when there be an unbalanced force acting on the body. इसका क्या मतलब, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि किसी बॉडी में अगर acceleration है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी पे फोर्स लगा है. विदाउट फोर्स यू कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन. ठीक है, अगर ऐसा हो कि अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है न्यूटन्स ने जो बोला है वो बिल्कुल परफेक्ट है, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, वैलिड हो रहा है कि फोर्स है इसलिए एक्सेलरेशन है. बट अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन दिख रहा हो, तो इसका मतलब होगा कि सर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, बिकॉज बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं हो सकता. तो अगर बिना फोर्स के एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है. समझ में आई बात? पहले ये दो डेफिनेशन नोट करिए, फिर इसको आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूं.
I'll explain you this through example, but please note this down. Done, sir. Okay. तो आप सुनिए सर, एफ इज नॉट इक्वल टू एम होता ना, मतलब न्यूटन्स लॉज का मतलब ये है कि मैं स्पेशली इस लॉ की बात करूं। अच्छा, ओके। तो सर ये हमेशा ही नहीं होगा या फिर हो सकता है? हमेशा नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, जिस फ्रेम में नहीं होगा उसको हम नॉन इनर्शियल कहेंगे। इसका मतलब है कि न्यूटन्स लॉज हमेशा इनवैलिड नहीं है, वो कुछ केसेस में इनवैलिड है, कुछ केसेस में वैलिड है। जिस केस में इनवैलिड है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल कहलाएगा, और जिस केस में या जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो वैलिड है उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए मैं जो सुना रहा हूँ। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम विच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। मान लो बेटा कि आई एम टेकिंग अ ब्लॉक, लेट अस से कि आई एम टेकिंग दिस ब्लॉक विच इज फिक्स्ड। सर ये नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ में आया? पहले बता रहे थे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझो। ओके सर, यहाँ पर कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक फिक्स्ड है एंड देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक व्हाटसोएवर। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, ब्लॉक का मास मान लो m है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में mg है और वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक का कोई मोशन नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज बैलेंस्ड। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज हैं बट ब्लॉक इज नाइदर गोइंग अप और नॉट गोइंग डाउन, तो इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेज आर बैलेंस्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, अब आगे सुने। मान ले कि वी आर हैविंग फ्यू ऑब्जर्वर्स, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है एंड दिस ऑब्जर्वर लेट अस से O1 इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ये इसके साथ अगर आप तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर देंगे तो ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, x, y एंड z। देयर इज फर्स्ट ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड दिस इज हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई एम टेकिंग द अनदर ऑब्जर्वर, लेट अस से कि मैं दूसरा ऑब्जर्वर ले रहा हूँ, हु इज गोइंग ऑन दिस ट्रॉली। इस ट्रॉली पे वो ऑब्जर्वर खड़ा है and this observer is going with a constant velocity. In other words, this trolley is going with a constant velocity, means velocity is constant. ठीक है, and his name is observer 2. ठीक है, and इसके साथ आप frame attach कर दीजिए, तो इसका frame of reference हो जाएगा ये. This is his x, y and z coordinates. The third observer I am taking here. कि मान लीजिए फिर से I am taking a trolley. And there is a third observer who is standing on this trolley and this trolley is going with a constant acceleration. Ye trolley kaise chal raha hai? It is going with a constant acceleration. Observer is going with a constant acceleration. Acceleration of this observer is constant. Aur iska naam O3 maan le aap, aur iske saath agar aap coordinate axis attach kar denge, to ye iska frame of reference kehla jayega x, y, z. Ab dhyan se sunye. I would ask all these three observers to report the state of motion of this block. ये जो block यहाँ पर रखा हुआ है, which is fixed on the ground, इसके state of motion को I'll ask one by one from all these three observers. And you need to understand the difference. भाई ये observer क्या कहेगा? ये ground वाला observer क्या कहेगा? इस block के state of motion के बारे में what will he predict? So he will simply say that because for him the position of the block is not changing, तो ये कहेगा कि भाई मेरे लिए ब्लॉक रेस्ट में है या नहीं है। भाई इस ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज जीरो, टेल मी यस और नो? यस सर। यस सर। मैंने क्या बोला है? ब्लॉक फिक्स्ड है और ये ऑब्जर्वर भी ग्राउंड पे है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए तो यही दिखाई दे रहा है कि दिस ब्लॉक इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन बिकॉज इट इज फिक्स्ड। तो एज दिस ब्लॉक इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन एज इट इज फिक्स्ड, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि भाई मेरे लिए इस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो है, देयर इज नो वेलोसिटी इन दिस ब्लॉक। वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, राइट? अब हम ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज़ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज बैलेंस्ड, तो अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बिकॉज़ फोर्स इज जीरो एक्सेलरेशन इज जीरो एंड हेंस न्यूटन लॉ इज वैलिड और नॉट। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड और नॉट? यस सर, इट इज वैलिड। तो ये फ्रेम कैसा फ्रेम होगा जो ऑब्जर्वर वन के साथ आपने अटैच किया हुआ है दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम कैसा फ्रेम मानेंगे? ऑब्वियसली दिस फ्रेम इज अ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टेल मी, जिसको नहीं समझ में आता उसको अभी ये पहला एग्जांपल समझ में आया?
यस सर। अरे कोई एक बच्चा कह रहा था ना कि जिसको नहीं समझ में आया था, एक बालक, चुप हो गया वो। खैर चलो, इसके लिए तो ये रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है, because what he is saying is no velocity in this block means acceleration is zero, and because force is zero, acceleration had to be zero according to Newton's law. So main keh sakta hu ki iske frame of reference mein Newton's ka ye law applicable hai aur valid hai, and hence this frame of reference attached to O1 is inertial. Ab agar main B se puchu, matlab ye observer O2 se puchu ki bhai tum batao ki what is the state of motion of this block for you, तो ये कहेगा देखो इस बात को समझो, आप लोग लॉजिकली समझो बेटा, आप इस बात को ऐसे इमेजिन करो कि जब आप किसी ट्रेन में बैठे होते हो तो आप एक बात बताओ कि ट्रेन जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही होती है कि आपको ऐसा नहीं दिखता कि वो सारी जो बाहर की पूरी दुनिया है दैट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ट्रेन? यस सर। ये आप लोगों का भी फील हुआ है, नॉट ओनली इन ट्रेन, अगर आप कार में भी बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो सारी बाहर की दुनिया है वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। yes. तो बाय द सेम लॉजिक ये ऑब्जर्वर O2 क्या कहेगा? O2 कहेगा कि भाई मेरे लिए ब्लॉक रेस्ट में नहीं है, और O2 कहेगा कि मेरे लिए एक्चुअली में दिस ब्लॉक इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ माय मोशन एंड इट इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं आया? मतलब O2 विल रिपोर्ट दैट कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज v एंड इट इज कांस्टेंट एंड इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए ऋषिक कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट ही तो है ना? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसके लिए भी एक्सेलरेशन जीरो है। याद रखो न्यूटन का लॉ ये नहीं कहता कि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, ऐसा नहीं बोला उसने। न्यूटन का लॉ ये कहता है कि अगर फोर्स नहीं लग रहा हो तो या तो बॉडी रेस्ट में होगी या अगर वो मूव कर रही है तो इट विल बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है जो जो देखा जाए अगर जैसे ऑब्जर्व करेगा हाँ। तो सर उसको इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी है, इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं कहते इसको। नहीं सर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी सर उसमें था ना कि वो अगर मोशन में कांस्टेंट तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है कोई, मोशन में कांस्टेंट तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। अब वो एक अलग बात है, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटीन्यूअसली मूव कर रहा है इसका मतलब उस पे भी फोर्सेस बैलेंस्ड है या नेट फोर्सेस जीरो। हाँ, मतलब O2 के लिए दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, ये कहना चाह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, O2 के लिए ब्लॉक में वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन कितना है? जीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट और फोर्स, बिकॉज फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन को जीरो होना ही है। ठीक है, यही न्यूटन्स लॉ कहता है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए मैं फिर से कह सकता हूं कि NLM NLM is valid. NLM is valid, इसका मतलब ये वाला frame of reference which is attached to O2, ये कैसा frame of reference है? तो क्या अभी भी आप कह सकते हैं कि this is inertial frame of reference? Say something. Yes, sir. आ गई बात समझ में? या तो ऐसा frame of reference हो जो चल ही नहीं रहा हो, जैसे O1 के साथ जो frame of reference आपने attach किया तो O1 की velocity zero है, मतलब इस frame of reference की velocity भी zero है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी जीरो है वो भी इनर्शियल है, और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है बट कांस्टेंट है तब भी वो इनर्शियल है। क्लियर है? यस सर। अब हम O3 से पूछेंगे, O3 क्या बताएगा? आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि O3 क्या रिपोर्ट करेगा? O3 को क्या दिखाई देगा? ब्लॉक रेस्ट में है, मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? व्हाट विल ही रिपोर्ट? कोई लॉजिक नहीं है आपके पास? आप लोग क्या कहेंगे भाई? O3 क्या कहेगा? कोई बता सकता है? कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि O3 क्या कहेगा? व्हाट O3 विल रिपोर्ट अबाउट द मोशन ऑफ द ब्लॉक? सर वो एक्सेलरेटेड लगेगा।
हाँ भाई बच्चों क्या बोल रहे हैं आप? अरे बेटा आज हाँ बिल्कुल ऋषिक की बात तो मैं समझ गया, वेरी गुड ऋषिक। बाकी लोग तुम लोगों का दिमाग नहीं चलता क्या बेटा? जब मैंने आपसे बोला कि अगर आप किसी मूविंग ट्रेन में हो या मूविंग कार में हो तो आपको पूरी दुनिया अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगी जाती हुई उसी वेलोसिटी से या उसी एक्सेलरेशन से जिस वेलोसिटी या जिस एक्सेलरेशन से आप मूव कर रहे हैं। नहीं आया? नहीं आया? कैसा आता है फिर भूल जाते हो तुम लोग? फिर से सुनो, आप अगर मूविंग बॉडी में, भाई आप ट्रेन के अंदर अपने आप को इमेजिन करिए, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो ट्रेन जिधर जा रही होगी, जिस डायरेक्शन में जा रही होगी, आपको बाहर की पूरी दुनिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। कैसे जाती हुई दिखाई देगी? उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है या उसी एक्सेलरेशन से जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन जा रही है। आ रही बात समझ में? तो बेटा ऑब्जर्वर थ्री को क्या दिखाई देगा? ऑब्जर्वर थ्री मेरे बच्चे एक्सेलरेट कर रहा है टूवर्ड्स राइट। ऑब्जर्वर थ्री इज एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स राइट। तो आपको ऑब्जर्वर थ्री को क्या लगेगा कि दिस ब्लॉक इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ऑब्जर्वर थ्री राइट की तरफ जा रहा है तो उसको लगेगा भाई आपका जो ब्लॉक है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? राइट का अपोजिट को लेफ्ट होता है ना बेटा, तो उसको लगेगा कि ब्लॉक इज गोइंग इन द अपोजिट वे। और किस वेलोसिटी, किस एक्सेलरेशन से? क्योंकि ऑब्जर्वर थ्री खुद एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको ब्लॉक में क्या दिखेगा? एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन? उतना ही जितना ओ थ्री का एक्सेलरेशन। भाई पहले ये बताएं सारे बच्चे, आई टेक योर नेम्स नाउ। अध्यान रहमान, उर्वशी, आशीष, आरुषि, अध्यान, देवांश, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस। यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फॉर द ऑब्जर्वर थ्री विल बी इक्वल टू ए। किस डायरेक्शन में? टूवर्ड्स लेफ्ट। मैं लिख देता हूँ लेफ्ट, समझ में आई बात? अब मैं अगर ओ थ्री से पूछूं कि भाई तेरे लिए तो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का, वो कहेगा बिल्कुल हाँ है। अब मैं उसे पूछूं अच्छा बता कि तुम्हारे लिए जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है तो तुम्हारे लिए फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे, तो वो क्या कहेगा? भाई कोई फोर्स लग रहा है क्या? इज देर एनी रियल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विच इज प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेशन? इस बात को आप ऐसे समझो जैसे आप ट्रेन में हो, ट्रेन आगे चल रही है तो बाहर का पेड़ समझते हो ना, ट्री आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछूं बताओ कौन सा फोर्स उसको मूव करा रहा है, तो डू यू सी एनी फोर्स ऑन द ट्री फ्रॉम द ट्रेन? सॉरी सर, कुड यू रिपीट? या आई विल रिपीट इट अगेन। फिर से सुनो, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो ट्रेन के बाहर जो ट्री होती है ना, ट्री, माउंटेन्स, वो सब आपको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब जिधर ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे जाते हुए। मतलब ट्रेन में बैठ के आपको बाहर का जो लैम्प पोस्ट होता है, जो वो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, वो सब आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो। कभी जीवन में बैठे हो ट्रेन में आप लोग? यस सर। दैट्स गुड कि आप लोग फाइनली इतना तो कह रहे हो कि बैठे हो। तो आपको सारी दुनिया अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नहीं दिखाई देती, बाहर की पूरी दुनिया? यस सर। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई वो जो ट्री आपको ट्रेन में बैठ के, वो जो ट्री आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, मैं आपसे पूछूं कि भाई उस ट्री के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का कॉज क्या है? व्हाट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ट्री? तो आपको अगर भैया कोई फोर्स नहीं है, कोई आपको फोर्स दिखता है क्या उस पर? फोर्स नहीं होता, बट फिर भी आपको एक्सेलरेशन दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? ओ थ्री क्या कहेगा कि भाई यहां पर देखो, इस ब्लॉक पे हमने कोई एज सच कोई फोर्स लगाया? बेटा मेरे लाल, नो सर, कोई फोर्स नहीं लगाया। स्टिल O3 इज ऑब्जर्विंग एन एक्सेलरेशन। O3 क्या ऑब्जर्व कर रहा है? O3 इज ऑब्जर्विंग एन एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हमारा फोर्स कितना है सर? फोर्स तो जीरो है, नहीं आ रहा। फोर्स क्या है बेटा? जीरो। मगर बिना फोर्स के एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं O3 के लिए? तो O3 के लिए मैं ये कह सकता हूँ यस, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन हो रहा है। ऋषिक भाई बात समझ में आई? Yes, sir. अब बिना फोर्स के एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या न्यूटन्स लॉ वैलिड है या इनवैलिड हो गया? अनवैलिड हो गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवैलिड। तो अगर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड हो गया तो ये फ्रेम कैसा हुआ? इनर्शियल कहलाएगा या नॉन इनर्शियल? तो ये कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। एवरीवन आई थिंक हैव अंडरस्टूड दिस।
कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें बैठ के मैं अगर किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूं या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन मुझे एक्सेलरेटेड तो दिखाई दे बट उस एक्सेलरेशन का कोई कॉज नहीं मिल रहा हो, तो उस केस में हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल कहेंगे। अगर इतनी बड़ी बात नहीं समझ में आई हो तो छोटी सी बात समझो कि ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। नहीं आया? एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। तुम खुद देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जब कोई वेलोसिटी नहीं था तो इनर्शियल था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी थी बट इट वॉज कॉन्स्टेंट तब भी वो इनर्शियल था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन आ गया, जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया वो नॉन इनर्शियल हो गया या नहीं हुआ? तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्या न्यूटन्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड और एप्लीकेबल, तो आपका आंसर होगा नो, न्यूटन्स लॉ इज नॉट ऑलवेज वैलिड। न्यूटन्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं है। इन सम ऑफ द केसेस न्यूटन्स लॉ इज वैलिड एंड इन सम ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम जनरली कैसे फ्रेम माने जाएंगे? नॉन इनर्शियल। एक बार हाँ ना बोल दो, इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड। डू यू वॉन्ट टू नोट ऑल दिस एग्जाम्पल और वॉट शुड आई रब? नोट कर लो जल्दी से। Is it done? Yes, sir. सबने नोट कर लिया? Yes, sir. Now listen to me carefully. कि देखो, अब ये बात तो हो गई कि सर ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इन विच न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड, बट आप एक बात समझो कि वी आर सो मच कंफर्टेबल विद अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कि हम ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा, मतलब इसमें गलत हो गया ना न्यूटन, न्यूटन्स लॉ गलत हो गया, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वी ट्राई टू मेक द न्यूटन्स लॉ वैलिड। ठीक है, न्यूटन्स लॉ को हम क्या करना चाहते हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम न्यूटन्स लॉ को वैलिड रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं बेटा? ये मैं इरेज कर रहा हूं, ऋषिक कैन आई इरेज वट एवर इज रिटन ऑन द स्क्रीन, कैन आई इरेज इरेज फ्यू ऑफ द थिंग्स? यस सर, यस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने बोला कि ऐसे केसेस में वी ट्राई टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड इन सच इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिसको हम कौन सा कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं। तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ को कैसे वैलिड बनाए,
तो आप देखो यहां पर खड़े होकर मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है कि भाई ब्लॉक इधर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एयर एंड मास ऑफ द ब्लॉक इज एयर. बस द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट, तो ओनली प्रॉब्लम क्या है यहां पर, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि भैया यहां पर फोर्स नहीं है ना भाई, कॉज ऑफ एक्सेलरेशन नहीं है ना, बस यही तो प्रॉब्लम है ना बेटा. बच्चों तो हम क्या करते हैं बेटा, ऑल्दो देयर इज नो रियल फोर्स, ऑब्वियसली देयर इज नो रियल फोर्स, इसीलिए तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो पा रहा, बिकॉज बिना फोर्स के एक्सेलरेशन है. तो हम इस एक्सेलरेशन का कॉज लाते हैं जबरदस्ती, मतलब जो कि एक्चुअली में वहां पर नहीं है. देखो फिर से मेरी बात समझो, एक्चुअली में देयर इज नो रियल फोर्स एज सच, देयर इज नो रियल फोर्स एज सच, बट उसको हम क्या करेंगे, उसको हम न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाने के लिए हम एक फोर्स अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे. क्या करेंगे बेटा, फोर्स अज्यूम करेंगे ताकि हम न्यूटन्स लॉ को जस्टिफाई कर सकें. तो जो फोर्स हम अज्यूम करते हैं टू जस्टिफाई द न्यूटन्स लॉ, जो एक्चुअली में नहीं है हम अपनी तरफ से मानेंगे, उस फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स. कैसा फोर्स बोलो, या तुम लोग कंफ्यूज हो गए भाई. आप इमेजिन करो ना कि अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होता तो ये एक्सेलरेशन को जस्टिफाई कर देगा या नहीं. प्रॉब्लम बस इतनी है ना कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में हम अपनी तरफ से फोर्स अज्यूम कर लेते हैं, और इसी फोर्स को जो हमने अज्यूम किया, जो एक्चुअली में है नहीं, आप अज्यूम कर रहे हो, नॉन रियल फोर्स है ये, नॉन एग्जिस्टिंग है, इसी फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं, स्यूडो फोर्स. कौन सा फोर्स, स्यूडो का मतलब होता है नॉन रियल, झूठा, नॉन एग्जिस्टिंग. आपने पढ़ा होगा ना साइंस में स्यूडोपोडिया, फॉल्स फुट. अरे नीबा या परामिशन में नहीं पढ़ा है, फॉल्स फुट होता है शायद, स्यूडोपोडिया कहते हैं उसको. तो ऐसा फोर्स जो एक्चुअली में एक्ट नहीं कर रहा हो, बट हम उसको अज्यूम करते हैं टू कन्वर्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम इंटू इनर्शियल, उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम स्यूडो फोर्स नाम देते हैं. हजम हुआ. Yes, sir. मतलब जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा तो विथ ऑल द रियल फोर्स है, हमको एक स्यूडो फोर्स भी मान लेना है. कौन सा फोर्स मानना है, स्यूडो फोर्स. नहीं आ रहा, तो तुम लोगों दिक्कत हो गई. अब वो कैसे अज्यूम करेंगे, किधर अज्यूम करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा. आज इतना ही, आज इतना ही, ड्यू टू सम रीजंस आज इतना ही. फिर इसके आगे की जो क्लास है विच विल बी मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडे इवनिंग, आप लोगों को टाइम चला जाएगा संडे इवनिंग का, उसमें मैं डिस्कस करूंगा. तब तक ये पढ़ के रखना मैंने क्या समझाने की कोशिश की है. ठीक है, यस ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर.